हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अगर आप लोग नए हो तो हम बता दें, मेरा नाम हिमांशी और हम अपना डेली लाइफ शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। वैसे तो मेरा स्टार्टिंग से दिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, बट आज हम कोटने में थोड़ा लेट हो गया है पिछले दो दिन के तरह, तो हम अभी एकदम डायरेक्ट से ही रेडी हो गए। फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं क्योंकि हम जो पेंटिंग कल कर रहे थे वो पेंटिंग को आज हमको एनी हाउ कम्प्लीट करना, उसके साथ में दो पेंटिंग और है तो उसका स्केच वगैरह सब कुछ करके देना है, तो आज हमको थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग साथ मिलकर चलते हैं और एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। आलू गोभी का सब्जी, रात वाला और साथ में मूढ़ी। तो हो गया नाश्ता पानी, स्केच करके कल ही हमको उनको देना था बट हम कल फ्री हो नहीं पाए, तो चलो आज अभी बैठ के पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे उधर। बाय मम्मा, देख सकते हैं अभी नहीं दिखेगा, आज डालेंगे। तो यहाँ आए और यहाँ का सारा काम हो गया, चलिए अभी चलते हैं पेंटिंग करने के लिए। आज सवेरे ही जा रहे हैं, लंच के टाइम पे निकल के कुछ ना कुछ खा लेंगे क्योंकि आज नाश्ता भी देखे ना मूढ़ी खा के भूख लग रहा बड़ा जोर का। खैर कोई ना, चलिए हम लोग चलते हैं, मेरा बैग रेडी हो गया। इससे दिमाग का स्क्रू खोल सकते हैं, तो बैग का ढक्कन खोल रहे हैं। वाला काम तो वो लगभग हो ही चुका है, थोड़ा थोड़ा और बाकी है तो उसको करेंगे, बस ऊपर का सूख जाना उसी जगह पे काम है। पेंटिंग से ब्रेक लेके अभी हम आ गए लंच करने के लिए, मतलब लगभग काम हो ही गया, बाल को थोड़ा सा और डार्क करना है और उसके बाद फिर वो वाला डन हो जाएगा, उसके बाद दूसरा स्टार्ट करना। खूब सारा रिसर्च करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं ढाबा पे खाना खाने के लिए, तो ऑर्डर लग चुका है। बोल दिए ऑर्डर दे के आए, हमारा तड़का आ चुका है, बट अभी रोटी नहीं आया, तड़का सब्जी दर अचार चटनी, अचार नहीं मतलब सलाद चटनी एंड ऑल। अगर हमारा रोटी आ चुका है, रोटी रोटा कुछ भी कर सकते हो, ये छोटे से बच्चा क्यों रो रहा है पता नहीं। सब तो ठीक है, ये बंदर लिफ्ट मांगने के लिए पीछे रोड पे क्यों खड़ा है, ओ बंदर मैन। अरे माय, दौड़ान दिया फोन ही लेके भागेगा फिर। अब हम फोन छीनेगा बंदर से तो वो वाला क्लिप दिखा देंगे, बंदर मेरे हाथ से फोन कैसे लेके भागा। खैर ये सब हटाइए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है फिलहाल। आज बेस कोट करने का था तो वो कर दी, और कल एक दूसरा पैटर्न पे कलर करना है तो वो करेंगे, एंड फिलहाल अभी चलने लगे हम घर को। और आज हम ब्लॉग नहीं बनाना, कितना कम ब्लॉग कर रहे हैं आज। चलो कोई बात नहीं, अगर ब्लॉग छोटू सा बनेगा तो उसको कल वाले ब्लॉग में ऐड कर देंगे शॉर्टेड। पता है ठंडी के दिन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं यार, ठंडी का दिन कितना जल्दी खत्म हो गया, ज्यादा नहीं 10 दिन भी नहीं रहा मुश्किल से ना, 10 दिन रहा फिर खत्म। हे गाइस, मेरे घर पे ना कोई आया है लेकिन हमको मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। कोई तो मेरे घर आया है, कोई है क्या, कोई है क्या, कुछ नहीं बोलेगी मानू आई हुई है, कोई है क्या। मानू का चप्पल मिला, मानू कहाँ है, मानू मानू, ओ मिला बच्चा। ये तो कौन है, ये कौन है, बोलो दो बिस्किट हटा के, ये कौन है, ये कौन है, बोलो मानू, मामू, मानू मामू है, ये मानू नहीं है, ये मामू है मेरा, ये मेरा छोटा सा मामू है। छोटी देखे ना सब दो छोटी, मानू राम का छोटी देखे ना, भी मत घुमा मजा, वो ऐसे बोलते हैं उसको, देखो देखो ना दीदी क्या 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 करे, क्या करे घुमा दे, भूम 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 भूम, सुन रहे हो दीदी, भूम भूम, रुक रुक बोलेगी, देखेगा फिर बोलेगी। अंग्रेजी बोल दो मानू, अंग्रेजी बोलो मानू, अंग्रेजी बोल दो, ये अंग्रेजी बोली, बाय बोलो सबको, बाय करो अच्छे से, बोलो बाय बाय, बोलो फिर आना, बोलो फिर आना, ओ बोलो फिर आना, अंग्रेजी बोल दो, अंग्रेजी बोल दो फिर जाना, बाय मानू फिर आना। हम ऑर्डर किए थे कुछ दिन पहले एक प्लेट, मतलब छह पीस का सेट था कुछ इस तरह का, मेरा जो व्हाइट वाला टूटा ना उसके बाद सोचे थे इस बार मंगाएंगे प्लास्टिक का, और अच्छा खासा आया यार, मतलब पतला है लेकिन फिर भी ठीक है, छह पीस है और छह वो पेस्टल कलर है, बड़ा सही लगता है। 10 रुपए का मैंगो लेगा, ये कैसा मैंगो लेगा, अच्छा डब्बा में रहता है मैंगो लेगा, अच्छा कागज वाला है देंगे, एक्टिंग कर करके बता रहा है दीदी, मैंगो है मैंगो, वो वाला मैंगो मुझे ऐसे रहता है, कागज वाला आइसक्रीम वाला नहीं, कागज वाला, तो उसको फ्रूटी ही चाहिए, ये कागज वाला मैंगो। आज का ब्लॉग इतना छोटा था कि एडिट भी हो गया और पता चल रहा है कि 4.5 मिनट का बस ब्लॉग बना, क्या लेकिन
50 रुपए का चॉकलेट। अच्छा कोई बात नहीं, 5 पीस लेगी। एक्चुअली मेरा सुबह से कुछ खास किए नहीं, इसलिए मेरा कोई वीडियोस वगैरह भी शूट नहीं हुआ। एक्सरसाइज का मेरा प्लान है शाम में करने का, मतलब रात में करने का, बेड पे जाने से पहले मेडिटेशन वगैरह सब कुछ करेंगे रात में, और जो मेरा सेल्फ प्रैक्टिस चलता है स्पोकन इंग्लिश का तो वो भी करेंगे। फिलहाल पानी पीने वाले कोटे को हम फुल कर चुके हैं। चलिए आज के ब्लॉग को इतना छोटा ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए। ओके बाय, लव यू ऑल।